इंटरनेट में एक बार फिर भ्रामक दुष्प्रचार के मामला सामने आए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता मन ऊपर हुए लाठीचार्ज के वीडियो ला गलत तरीका ले करे गई पेश। असामाजिक तत्व मन पुलवामा हमला ले जोड़ के सोशल मीडिया में डाले ही वीडियो। देखो रिपोर्ट। बिलासपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन ऊपर हुए लाठीचार्ज ला पुलवामा मामला संग जोड़ तोड़ के दिखाए जाते। फेसबुक में लाठीचार्ज के वीडियो ला कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए में पुलिस द्वारा करे गए कार्यवाही बताए गए हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल परे है। विधानसभा चुनाव के पहली बिलासपुर में कांग्रेसी मन तत्कालीन मंत्री अमर अग्रवाल के विरोध में करे रही प्रदर्शन, जेखर बाद पुलिस विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर और पुलिसकर्मी मन कांग्रेस भवन में घुस के लाठीचार्ज करे रही। मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। सोशल मीडिया में डाले गए पोस्ट में जैसे ही कांग्रेसी मन के नजर पड़ी, तुरंत जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य मन सिविल लाइन थाना पहुंच के मामला के खिलाफ कार्यवाही के मांग करे हैं। जो कश्मीर में घटना हुई है उसको जोड़ते हुए एक कैप्शन डाल रहे हैं एक लाठीचार्ज की घटना को लेकर कि कुछ कांग्रेसियों ने कांग्रेस भवन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और नारे लगाने के बाद पुलिस ने उनको किस तरीके से लाठी से पीटा। इस घटना को कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व लोग, कुछ ऐसे संगठन जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं उसको कांग्रेस के साथ जोड़कर लोग इस तरीके की घटना कर रहे हैं। 17 सितंबर को कांग्रेस में लाठीचार्ज की घटना हुई थी, जो कि स्थानीय मंत्री के विरोध स्वरूप वहां पर लाठीचार्ज कांग्रेस भवन के अंदर घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और वो हमारा सिस्टम को लेकर विरोध के रूप में लाठीचार्ज की घटना हुई थी। उसको कुछ आरएसएस के लोग, जिसमें हमने नाम भी दिया है, जिनके आईडी से ये सब चीजें वायरल हो रही है और ये केवल वायरल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में वायरल कर रहे हैं कि कांग्रेस भवन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हम कांग्रेसी कश्मीर की घटना को लेकर पहले दिन से ही बहुत उद्वेलित और दुखित हैं कि हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए हैं। इस घटना को लेकर पूरा विपक्ष सत्ता संगठन सत्ता के साथ है, शासन के साथ है कि शासन जो भी निर्णय लेगा उसमें पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा। उन्होंने अभी एक ज्ञापन दिया है कि फेसबुक में जो लाठीचार्ज की घटना पिछले दिनों में हुई थी उस पर से कोई आरएसएस आस्था तिवारी संस्था को लिंक किया है और उसमें पाकिस्तान से जोड़कर इनको बदनाम करने की कोशिश की है, तो इस पर से हम ज्ञापन लेके हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया आईटी एक्ट के तहत और इसकी भी जांच की जा रही है। अभी साइबर सेल को हम भेज रहे हैं इसका कि किसने दिया है और आरोपी कौन है। मामला साफ है कि पुलवामा हमला के बाद एक कति जिहां पूरा देश में गुस्सा के माहौल है, उन्हें असामाजिक तत्व मन के इंटरनेट में पोस्ट डाल के भ्रामक दुष्प्रचार फैलाए के सिलसिला खलो जारी है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि आपो मन कोनो भी पोस्ट में विश्वास करे ले पहली अपन स्वविवेक के प्रयोग करके एकर शिकार होले बचा। बिलासपुर डिजिटल रिपोर्टर नीरज देवांगन की रिपोर्ट।